देश और दुनिया भर में कोरोना का खतरा दिन पर दिन पैर पसारता जा रहा है। आलम यह है कि एक एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र समेत तमाम राज्यों की सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी इस पर लगाम लगने के बजाय केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर हर आम और खास पर पड़ रहा है। कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, और लीजिए इसी लिस्ट में अब एक और दिग्गज का नाम शुमार हो गया है। इस बार कोरोना की शिकार बनी है जानी मानी सिंगर लता मंगेशकर। लता को संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लता के संपर्क में आए लोगों को भी एहतियातन टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि लता की उम्र 92 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर उनके कोरोना संक्रमित होने पर फैंस काफी परेशान हो गए हैं। जैसे ही मंगलवार सुबह ये खबर आई, लता के प्रशंसक डर गए, लेकिन फिर पता चला कि उन्हें कोरोना हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। फिलहाल उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौट आए। कुछ साल पहले लता के बीमार होने की खबर आई थी, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हालांकि फैंस की दुआ काम आई और वो ठीक होकर घर वापस आ गई थी। अब एक बार फिर इस खबर ने सभी को परेशान कर दिया है। खैर, हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आए। वैसे यहाँ पर आपको बताते चले कि सिर्फ लता ही नहीं बल्कि कई लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कपूर खानदान से लेकर ऋतिक की पत्नी सुजैन खान तक पॉलिटिशियन भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहरहाल, जो भी अपडेट लता मंगेशकर की सेहत से जुड़ी आएगी, आप तक जरूर पहुँचाएंगे।